देव आनंद अपने समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। देव आनंद जब पर्दे पर उतरते थे तो उनके अभिनय के साथ ही उनका स्टाइल भी इतना पॉपुलर हो जाता था कि लोग उनकी कॉपी किया करते थे। हालांकि हिंदी फिल्मों में एक कलाकार ऐसा भी हुआ जो अपने नाम की जगह डुप्लीकेट देव आनंद के नाम से पहचाना जाने लगा। वो हैं किशोर भानुशाली। किशोर भानुशाली काफी सफल अभिनेता रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्हें ज्यादातर देव आनंद के टाइटल वाले रोल में ही देखा गया है। एक बार देव आनंद ने खुद उनको मिलने के लिए बुलाया था। उस समय किशोर भानुशाली के पास कई फिल्में थी। देव आनंद के डुप्लीकेट के नाम से किशोर भानुशाली खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन बचपन में उन्होंने देव आनंद का नाम नहीं सुना था क्योंकि वो उस समय राजेश खन्ना के फैन थे। एक बार किशोर भानुशाली ने बताया था, जब फिल्म कटी पतंग रिलीज हुई थी तब वे 5-6 साल के होंगे, तब राजेश खन्ना का जमाना था। उस वक्त किसी ने उनसे कहा था कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ही देव आनंद जैसी है, लेकिन उस समय वो नहीं जानते थे कि देव आनंद कौन है। फिल्म दिल में जब किशोर भानुशाली ने काम किया तो वो काफी लोकप्रिय हो गए थे। इसी फिल्म को देखने के बाद देव आनंद ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। तब किशोर भानुशाली देव आनंद से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे थे। जब किशोर भानुशाली वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही देव आनंद ने अपने स्टाइल में कहा, क्यों तुम किशोर हो ना, मैंने तुम्हारी दिल देखी है, मुझे लगता है आपको ही कॉपी करना पड़ेगा, अब कितनी फिल्में हैं तुम्हारे पास। किशोर भानुशाली ने देव आनंद से कहा कि 8-10 फिल्में होंगी। फिर देव आनंद ने मजाकिया अंदाज में कहा कि 1-2 मुझे भी दिलवाओ ना। देव आनंद बड़े पर्दे के साथ ही निजी जिंदगी में भी जिंदा दिल इंसान थे।